Hello students, in the previous video we have studied about the two port network and we have started with the Z parameter and the Y parameter. Okay, so today we will start with the H parameter, that is called hybrid parameter. Okay, I have already told you that this hybrid parameter is very important parameter for us because it is also used in analog electronics where we used H parameter in case of amplifier circuits. Okay, so what is H parameter? H parameter have two equations, V1 and I2. Okay, so V1 means KVL equation and I2 means KCL equation. Okay, so H parameters ke aapke two equations hote hain. Ek equation hota hai aapka KVL equation aur ek hota hai aapka KCL equation. Okay, so here V1 and I2 has been used. So remaining two आपके क्या रह गए हैं? एक रह गया V2 और एक रह गया आपका I1. So वो आपके right hand side में use हो जाएंगे. So कितना हो जाएगा आपका I1 H11 plus V2 H12. Okay? I1 H21 plus V2 H22. Okay? So अभी तक हम लोग Z parameter study कर चुके हैं, Y parameter study कर चुके हैं. Now हम लोग अब H parameter study कर रहे हैं. तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे के सारे parameters में आपके 2-2 equations use हो रहे हैं, ठीक है ना? और वही आपका base है उन parameters के analysis के लिए. Okay, so अगर हम यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर use किया है left hand side में V1 and I2. Okay, हमने Z parameter में use किया था V1 V2, Y parameter में हमने use किया था I1 and I2. तो आप लोग ये सोच रहे होंगे अब ऐसी कौन सी trick हम लगा पाएं कि हम इन्हें याद रख पाएं इन पैरामीटर्स के इक्वेशंस को. तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है. देखिए, करंट और वोल्टेज को मिलाकर टोटल 4 टर्म्स होते हैं यहां पर, V1 V2 I1 एंड I2. ओके, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स यूज कर लिए हैं तो रिमेनिंग 2 टर्म्स आपके राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशंस में यूज होने वाले हैं. ओके, सपोज करिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर लिया है V1 एंड I2, तो रिमेनिंग क्या-क्या रह गए आपके? I1 रिमेनिंग रह गया एंड V2 रिमेनिंग रह गया. ओके, सो आप क्या करेंगे, आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? फर्स्ट 1 देन 2. सो I1 V2 I1 V2. ओके, सपोज करिए अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में Z पैरामीटर में यूज कर चुके थे V1 V2, तो रिमेनिंग क्या रह गए थे आपके? I1 I2. तो आपने क्या यूज किया था? I1 I2 I1 I2. ओके, सो अगर आप दो वैल्यूज यहां यूज कर चुके हैं तो रिमेनिंग टूज आपकी राइट हैंड साइड में यूज होंगी. इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं. ओके, बाकी जो आपके पैरामीटर्स हैं वो हमेशा इस तरह से रहेंगे आपके H11 H12 H21 एंड H22. ओके, सो अब अगर मैं इन्हें डिफाइन करने के लिए जाता हूं, सो व्हाट इज H11? H11 आप देख सकते हैं V1 अपॉन I1 क्या जीरो हो जाएगा आपका, V2 आपका जीरो हो जाएगा. ओके, सो H11 आप क्लियरली देख पा रहे हैं वोल्टेज अपॉन करंट है, एंड वोल्टेज अपॉन करंट आपका क्या होता है? इंपेडेंस होता है. ओके, सो इसे हम क्या कहेंगे? इनपुट इंपेडेंस. क्लियर है यहां तक? क्यों इनपुट इंपेडेंस? क्योंकि 1/1 है, ठीक है. नाउ H12 आपका क्या हो जाएगा? V1/V2, एंड क्या जीरो करना होगा हमें? I1 को हमें जीरो पुट करना होगा. तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये देख सकते हैं आप, ये वोल्टेज अपॉन वोल्टेज है. वोल्टेज अपॉन वोल्टेज मींस देयर इज नो यूनिट, आपकी कोई यूनिट नहीं है यहां पर H12 की. H12 आपका यूनिट लेस है. ओके, हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज क्या होता है? आपका गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है. लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम कर रहे हैं इनपुट अपॉन आउटपुट. तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका इनवर्स वोल्टेज गेन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर H21. H21 means क्या हो जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं I2 upon I1 V2 आपका जीरो हो जाएगा. So I2 upon I1 and आपका जो V2 है वो आपका क्या हो जाएगा? जीरो. ओके, सो यहां पर क्या बच गया? एक करंट अपॉन करंट, अगेन यूनिटलेस, एंड करंट अपॉन करंट अगेन दैट इज गेन. नाउ दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट, सो इट इज सिंपली आपका करंट गेन. ओके, आप फॉरवर्ड करंट गेन भी बोल सकते हैं, बट सिंपली करंट गेन. ओके, नाउ H22 आप इक्वेशन से देख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, I2 upon V2.
ओके okay, I2 अपॉन V2 और आपकी जो I1 है वो हो जाएगी जीरो। हम जानते हैं करंट अपॉन वोल्टेज क्या होता है, आपका एडमिटेंस होता है, दिस इज 2 अपॉन 2 दैट इज आउटपुट, आउटपुट एडमिटेंस। ओके सो ये आपके चारों पैरामीटर आपके डिफाइंड हो गए, H11, H12, H21 एंड H22। ओके नाउ अब आपको करना क्या होगा, एक सिंपल सा H मैट्रिक्स बना लेना होगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो ये आपका हो गया H11, H12, H21 एंड H22। ओके सो इस तरह से आप बाय डेफिनेशन एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हैं H पैरामीटर किसी भी सर्किट के लिए। ओके नाउ अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं फॉर H पैरामीटर, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो H पैरामीटर का जो फर्स्ट इक्वेशन था वो KVL था एंड सेकेंड इक्वेशन आपका KCL था। इसकी क्या मीनिंग है कि जो आपका पोर्ट नंबर वन का जो सर्किट होगा वो आपका सेम एज जेड पैरामीटर होगा एंड पोर्ट नंबर टू का जो सर्किट होगा वो सेम एज आपका वाई पैरामीटर होगा, इसीलिए इसे हाइब्रिड पैरामीटर भी कहा जाता है, आपका जेड एंड वाई का हाइब्रिड है ये। सो ये किस तरह से बन जाएगा आपका वी वन ओके एंड दिस इज योर आई वन। ओके नाउ आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर वन में वी वन की वैल्यू क्या है, एच वन वन आई वन। सो आई वन जो है आपका वो पोर्ट वन का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो H11 है आपका क्या है वो इंपेडेंस है, मींस करंट इनटू इंपेडेंस आपका क्या हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा। सो आप सिंपली किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं H11। ओके नाउ आप देख सकते हैं इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन का जो सेकंड पार्ट है वो है आपका H12 into V2। V2 जो है आपका वो पोर्ट टू का वोल्टेज है और आपको यूज कहां करना है, पोर्ट वन में यूज करना है उसको। So, इसका मतलब क्या है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिपेंडेंट सोर्स लगाना पड़ेगा। सो ये किस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाइक दिस डिपेंडेंट सोर्स। आपका इक्वेशन क्या है आप देख सकते हैं यहां पर V2 into H12, V2 into H12 प्लस माइनस, बिकॉज वोल्टेज V1 इज इक्वल टू वोल्टेज H11 I1 प्लस वोल्टेज H12 V2। ओके नाउ अगर मैं पोर्ट टू की तरफ ड्रॉ करना चाहूं, सेम आपका इसी तरीके से ड्रॉ होगा, बट हमें यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पोर्ट टू में है वो आपका केसीएल इक्वेशन अप्लाइड है, इक्वेशन टू आपका जो था वो था केसीएल इक्वेशन। ओके सो पोर्ट टू में जो वोल्टेज है वो वी टू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, जो करंट फ्लो हो रही है वी टू से वो कितनी फ्लो हो रही है आई टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अब आप देख सकते हैं इक्वेशन को, आई टू की वैल्यू क्या है I1 into H21, आपको लूप 2 में I1 यूज करनी है, दैट इज डिपेंडेंट सोर्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका I1 into H21। नाउ नेक्स्ट क्या था आपका H22 into V2। ओके सो इफ दिस इज H22 तो H22 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा V2, सो करंट क्या हो जाएगी V2 into H22, सो दैट मींस ये जो आपकी करंट है I2 वो डिवाइड हो रही है H22 into V2 में और डिवाइड हो रही है आपकी I1 into H21 में। सो ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। आप अगर प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जो पोर्ट वन या जो मैश वन का जो सर्किट है वो आपका बिल्कुल जेड पैरामीटर के सर्किट के जैसे है, जो आपका पोर्ट टू या जो मैश टू का जो सर्किट है वो आपका बिल्कुल वाई पैरामीटर के सर्किट जैसे है, दैट इज हाइब्रिड पैरामीटर, एच पैरामीटर इज अ हाइब्रिड पैरामीटर। ओके नाउ अब अगर मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जज करूं कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि एच पैरामीटर एंड इनवर्स ऑफ एच पैरामीटर दैट इज जी पैरामीटर। ओके सो अब अगर मैं आपको जी पैरामीटर के इक्वेशन में लिख के दिखा दूं, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट क्यों है इस वीडियो में, क्योंकि अगर हमने एच पैरामीटर पढ़ लिया है हमें अब ये पता चल गया है कि अगर हमें दो इक्वेशन किसी भी पैरामीटर के नोन है तो हम उस इक्वेशन का यूज करके कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम हम अगर जी पैरामीटर के इक्वेशन भी जो कि इनवर्स ऑफ एच पैरामीटर है यहां पर अगर पता कर लें तो आगे जाके अगर कभी एग्जाम में यूज होता है तो हम उन इक्वेशंस का यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो जी पैरामीटर की जो इक्वेशन है आपके वो क्या क्या होंगे, ये आपका हो जाएगा एच पैरामीटर के इक्वेशन आपके क्या क्या थे आप याद करिए,
इक्वेशन था आपका V1 एंड I2, मैंने क्या कहा, ये आपका इनवर्स एच पैरामीटर है, तो जैसे वहां पर V1 था यहां पर होता है I1, ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका V2, ओके, सो दिस इज I1 एंड V2, क्लियर। सो ये आपका कितना हो जाएगा, G11, G12, G21 एंड G22, ओके। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि अगर आपने V1, V2, I1, I2 में से टू टर्म्स अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लिए हैं तो राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग टू टर्म्स आ जाएंगे आपके। तो यहां पर आपने I1 एंड V2 यूज कर लिया है तो बचा क्या क्या आपका, एक रह गया आपका V1, ओके, और एक क्या रह गया आपका I2। सो V1, I2, V1 एंड I2, ओके। सो इतनी आसानी से आप पैरामीटर्स के इक्वेशन याद रख सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक याद रह जाती है तो। सो ये आपके जी पैरामीटर के इक्वेशन होते हैं I1 एंड V2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 इज योर KCL इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 2 इज योर KVL इक्वेशन, ओके। सो ये होता है आपका H एंड G पैरामीटर का बेसिक्स, ओके। इसके जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग ABCD पैरामीटर के फिनिश हो जाने के बाद ही स्टडी करेंगे, ओके। सो ये होता है आपका H एंड G पैरामीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ABCD और ट्रांसमिशन पैरामीटर। गुड बाय।